press the bell icon for all updates. बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हूँ. राइट नाउ आई एम नॉट वेरी वेरी नर्वस, बट आई एम रियली रियली हैप्पी. ओके, जब अपॉर्चुनिटी दी गई इस शो के बारे में, सो व्हाट वाज योर थॉट, फर्स्ट थॉट क्या आया था कि करना है या नहीं करना है, बिकॉज एक अलग सा यू नो कैरेक्टर है. व्हेन दिस रोल केम टू मी, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो मैं बस यही प्रे कर रही थी कि रोल मेरे पास ही आए, क्योंकि ये डिफरेंट था, अटायर डिफरेंट था, शो का कंप्लीट थीम डिफरेंट था. तो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं वेस्टर्न लुक को ब्रेक करके एक इंडियन अटायर में दिखूं ऑन टेलीविजन. सो आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि ये रोल मेरे पास राइट टाइम पे आया है. तो थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए. कैरेक्टर 500 साल पुरानी चुड़ैल है, अपने प्यार का इंतज़ार कर रही है और प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है. इंटरेस्टिंग ये रहेगा जानना कि ये 500 साल पहले क्या थी, कैसे प्यार हुआ, क्या हुआ उनके प्यार के बीच में जो ये नहीं मिल पाए, और ऐसा क्या हुआ कि ये इंतज़ार कर रही है और क्यों इंतज़ार कर रही है, और ये वापस राणा सा को बुलाती है तो ये कैसे पाएगी अपने प्यार को, और वही टू गेट हर लव, जो वो जंग लड़ने वाली है अकेले, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए. और मुझे करने में और निभाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो आई एम श्योर जो लोग देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है. फॉर मी आई नेवर थिंक कि इट इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर और अ पॉजिटिव कैरेक्टर. फॉर मी ऑफकोर्स शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर है. और प्यार को पाने के लिए क्या सही और क्या गलत ना, तो एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर. तो इसके लिए वही है कि इसे बस राणा सा चाहिए किसी भी हाल में. क्या क्या सीखना पड़ा, मुझे यही सीखना पड़ा कि मैं अपने डायलॉग्स राजस्थानी में अच्छे से बोलूं. तो उसके लिए मैंने बहुत सारी राजस्थानी बेस्ड फिल्में देखी हैं, गाने सुने हैं, एंड देन ऑफकोर्स 24/7 आपको अपना दिमाग ऑन रखना पड़ता है सेट पे, जब आप हो सेट पे, मतलब कि एक भी ऐसा टाइम नहीं होता कि आप लेट लूज कर लो. और दिस कैरेक्टर इज़ आउट एंड आउट चैलेंजिंग कैरेक्टर रोल फॉर मी, क्योंकि इसमें मैं लटक भी रही हूँ, हार्नेस में मुझे लटकाया जा रहा है क्योंकि मैं उड़ने वाली हूँ इधर उधर, और डांस है और डायलॉग्स डिफरेंटली लिखे गए हैं मेरे लिए. तो इट इज़ चैलेंजिंग, बट एट द सेम टाइम आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन पोर्ट्रेइंग दिस कैरेक्टर. या डांस मैं बचपन से इंजॉय करती हूँ, तो जब मुझे पता चला कि मुझे इसमें डांस करना होगा और ये शो ऐसा है और ये कैरेक्टर ऐसा है, तो आई वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम द बिगनिंग कि ये कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है. तो आई वॉज थ्रिल्ड अबाउट एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ मनमोहिनी वॉज एक्साइटिंग मी कि ये शूट कब शुरू हो और कब मैं ये कैरेक्टर में यू नो ढलूँ और कब मैं ये करूँ. एग्जैक्टली लुक इज़ ट्रेडिशनल, लंबे बाल दिए गए हैं क्योंकि ये चुड़ैल है, और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनाई गई है, और मैंने नेल्स अपने जानबूझकर ऐसे रखे हैं ताकि वो ट्रेडिशनल टच आए, क्योंकि चुड़ैल है और मैनीक्योर पेडिक्योर तो पॉसिबल नहीं होता है चुड़ैल के लिए. तो नाखून भी मैंने ऐसे ही रखे हैं ताकि लगे कि राजस्थानी चुड़ैल है, बिकॉज़ वहाँ की औरतें नेल पॉलिश नहीं लगाती हैं. और जूतियाँ हैं घुंघरू पायल, और ये है मेरा घाघरा, ये है मेरी चोली, और ये सॉरी आउट एंड आउट इंडियन ट्रेडिशनल लुक है, विद कल्चर को बहुत ध्यान रखा गया है शो में. देखिए मनमोहिनी ऑन ZTV 7:30.
7:30 to 8 ओनली जी टी वी मनमोहिनी और इंस्टाग्राम अकाउंट पे आइए हमारे चाहे अंकित गरिमा मेरे एंड कमेंट टेल अस हाउ यू लाइक मनमोहिनी एंड गिव अस योर फीडबैक हाउ यू फाइंड मोहिनी और आपको मेरा काम कैसा लग रहा है सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर ऑन द कैरेक्टर.